गुड मॉर्निंग सी एस वाला मेडिकल में हम एनाटॉमी क्लास देख रहे हैं। एनाटॉमी में हमने क्या स्टार्ट किया था? बोन ऑफ द ट्रंक, ठीक है। बोन ऑफ द ट्रंक का मतलब क्या है? धड़ की जो बोन होती है, धड़ में जो पाई जाने वाली अस्थियां होती हैं उसे बोन ऑफ द ट्रंक बोलते हैं। तो बोन ऑफ धड़ में कौन कौन सी बोन पाई जाती है? तो धड़ में हमारा रिब्स पाया जाता है, स्टर्नम पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? स्पाइनल वर्टेब्रा पाया जाता है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर ये बोन ऑफ द ये ट्रंक क्या कहलाता है, या ट्रंक की हड्डियाँ कौन कौन सी कहलाती हैं। तो शरीर के जो बीच वाला भाग होता है वहां पे क्या पाया जाता है? धड़ के कंकाल का निर्माण होता है। धड़ के कंकाल का निर्माण का मतलब ये है कि ये जो बीच वाला भाग है, हमारी बॉडी का जो बीच वाला भाग है वहां पे क्या पाया जाता है? मध्य भाग, मतलब हमारी बॉडी का जो ट्रंक वाला पार्ट पाया जाता है। इस ट्रंक वाले पार्ट में कौन कौन सी बोन पाई जाती है? तो इनमें रिब्स पाया जाता है, स्टर्नम पाया जाता है, तथा वर्टेब्रल कॉलम पाया जाता है, ठीक है। और वर्टेब्रल कॉलम के साथ ऊपर, वर्टेब्रल कॉलम के जस्ट ऊपर कौन सा बोन होता है? स्कल बोन। कौन सा बोन होता है? स्कल बोन। तो बोन ऑफ द ट्रंक में हमको ये याद रखना है कि ये बोन हमारे शरीर के मध्य भाग में, मतलब सेंटर में पाई जाती है, ठीक है। इस धड़ वाले पार्ट में अगर ट्रंक की बात करें तो इसमें तीन बोन भाग लेती है। कौन कौन सी? स्पाइनल वर्टेब्रा, रिब्स और बोन स्टर्नम, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं वर्टेब्रल कॉलम। अगर हम वर्टेब्रल कॉलम की बात करें तो अगर वर्टेब्रल कॉलम को नॉर्मली क्या बोला जाता है? रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अगर हम इसको स्ट्रक्चर देखें, अगर हम लेटरल साइड से इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इसका स्ट्रक्चर एस के आकार का दिखता है। किसके आकार का वो दिखता है? कैपिटल एस, एस के आकार का दिखता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी, ये जो वर्टेब्रल कॉलम है ये कहाँ पाया जाता है? हमारे मध्य भाग में, हमारी बॉडी के मध्य भाग में पाया जाता है, ठीक है। और ये कैसा होता है? इस वर्टेब्रल कॉलम बस को अगर देखें तो कैसा दिखता है? ये एस के आकार का दिखता है, ठीक है। और ये जो इसके ऊपर क्या होता है, इसके अंदर कितने प्रकार की बोन होती है? 26 बोन्स होती है। वर्टेब्रल कॉलम में कितनी बोन होती है? 26 बोन होती है, ठीक है। और ये मतलब स्कल के बेस पे क्या होता है? स्कल के हेड के बेस पे क्या होता है? स्कल के, सॉरी, वर्टेब्रल के हेड में क्या होता है? हेड के बेस में फॉर्मल लाइन, सॉरी, वर्टेब्रल कॉलम के जस्ट ऊपर, मतलब इसके बेस पे क्या होता है? स्कल बोन होती है। कौन सी बोन होती है? स्कल बोन होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इनके बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? इंटरवर्टेब्रल डिस्क पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। इनके बीच बीच में, ये वर्टेब्रल कॉलम के जस्ट बीच बीच में डिस्क पाए जाते हैं। इसी के कारण ये जो हमारी कौन सा वर्टेब्रल कॉलम होती है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण हम क्या कर सकते हैं? मोशन, मूवमेंट कर सकते हैं ना, मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, करवट ले लेते हैं ना। तो किसकी वजह से? जो वर्टेब्रल कॉलम है, वर्टेब्रल वो कॉलम के बीच में क्या है? इंट्रा वर्टेब्रल डिस्क है। इसी वो जो डिस्क होती है वो कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण हम अपनी बॉडी का क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो वर्टेब्रल कॉलम है ये किससे जुड़ा होता है? मतलब हमारी बॉडी में वर्टेब्रल कॉलम तो है, पर वर्टेब्रल कॉलम के चारों ओर क्या है? लिगामेंट है, और क्या है? मसल्स है ना। मसल्स से, लिगामेंट से ये जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, इसको पूरे को स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। ये क्या करता है? हमारे शरीर का जो वेट होता है, वेट को सहारा देने के अलावा ये क्या करता है? रीढ़ की हड्डी, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो वर्टेब्रल कॉलम को सीधा करने में सहायता करता है। क्या करता है? सीधा रखने में सहायता करता है, ठीक है। अब जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है वो क्या करती है? लिखा होगा ना, फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है, पर क्या करती है? और क्या करती है? जो इंट्रावर्टेब्रल डिस्क है ये क्या करती है? इनको गद्दियां भी बोला जाता है। ये जो बॉडी में मूवमेंट के समय जो भी धक्के लगते हैं, है ना, उससे क्या करती है? हमारी बॉडी की रक्षा करती है, ठीक है। और इसी डिस्क की वजह से क्या होता है? आपस में एक दूसरे से ये घिसती नहीं है। जैसे एक वर्टिब्रा है, दूसरा वर्टिब्रा है, दोनों वर्टिब्रल के बीच में क्या है? इंट्रावर्टेब्रल क्या है? डिस्क। तो उस डिस्क की वजह से क्या होता है? आपस में ये रगड़ नहीं खाती। ये कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण क्या कर सकते हैं? हम मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है।
24 अलग अलग प्रकार की कैसी होती है, वर्टिब्रा होती है, प्लस उसके साथ क्या होता है, सैक्रम और कॉक्सेक्स। क्या होता है? सैक्रम और कॉक्सेक्स। तो वर्टिब्रल कॉलम में ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है। पहले तो अगर हम ट्रंक ऑफ द बोन, धड़ के बोन की बात करें, तो धड़ के बोन में कौन कौन सी बोन आती है? हमारा रिब्स आ जाता है, और क्या आ जाता है? स्टर्नम। क्या आता है? स्टर्नम। स्टर्नम को क्या कहा जाता है? टाई बोन कहा जाता है। और क्या आता है? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, उसके बाद अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो ये पूरी कितनी, टोटल कितनी बोन होती है? 26 बोन होती है। ठीक है, इनके बीच बीच में क्या पाया जाता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाया जाता है। ये कैसा होता है? इनके डिस्क की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही है ना हम क्या कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, और इन्हीं इंट्रावर्टिब्रल डिस्क की वजह से क्या होता है, ये आपस में रगड़ नहीं खाती है। क्या नहीं करती है? आपस में रगड़ नहीं खाती है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ याद करने की लाइक नहीं है। और इसमें मेन बात हमको यार ये याद रखना है कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? एस आकार का होता है। कैसा होता है? एस आकार का होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। ठीक है, वर्टिब्रा में, जो वर्टिब्रा में सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, सर्वाइकल का जो फर्स्ट C1 होता है उसके बेस पे क्या रखा होता है? स्कल। उससे कौन क्या जुड़ा होता है? स्कल। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा के फर्स्ट वर्टिब्रा से। ठीक है, और ऑक्सीपिटल बोन कौन सा जॉइंट बनाता है? कौन सा जॉइंट बनाता है बताओ? कौन सा जॉइंट बताता है? एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। ठीक है, इसी जॉइंट की वजह से क्या हो पाता है? हमारे स्कल का मूवमेंट हो पाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। तो हमने कल भी आपको बताया था कि सर्वाइकल में कितने वर्टिब्रा होते हैं? 7 वर्टिब्रा होते हैं। तो सर्वाइकल के वर्टिब्रा को हम काउंट करते हैं C1 to C7। कैसे काउंट करते हैं? C1 to C7। तो ये सर्वाइकल में हम कैसे काउंट करेंगे? C1 to C7। तो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। ये कौन सा वर्टिब्रा है? ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है। सर्वाइकल वर्टिब्रा के जस्ट नीचे कौन सा वर्टिब्रा होता है? थोरेसिक वर्टिब्रा होता है। तो थोरेसिक वर्टिब्रा को हम कैसे काउंट करते हैं? T1 to T12। कैसे काउंट करते हैं? T1 to T12। T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12। ये कौन सा वर्टिब्रा है? ये थोरेसिक वर्टिब्रा है, जो कहाँ पे पाया जाता है? हमारे ब्रेस्ट भाग में। ठीक है, चेस्ट भाग में। और सर्वाइकल वर्टिब्रा किसको कवर करता है? नेक पार्ट को। उसके नीचे आते हम लंबर वर्टिब्रा। तो लंबर वर्टिब्रा हमारे स्पाइन कॉलम में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कितने होते हैं? 5 होते हैं, L1, L2, L3, L4, L5। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 24। ठीक है, उसके बाद जो नीचे की बोन होती है, ये वर्टिब्रा बोल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सैक्रम। क्या बोलते हैं? सैक्रम। और उसके नीचे जो होता है उसको बोलते हैं कॉक्सेक्स। क्या बोलते हैं? कॉक्सेक्स। समझ में आया? तो टोटल कितनी बोन हो गई? 26। कितनी बोन हो गई? 26। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम में कर्व भी दिख रहा है ना। देखो, सर्वाइकल में थोड़ा सा ये बाहर की ओर कर्व है, ऐसे देखें तो ये देखो बाहर की ओर निकला हुआ है। इधर से देखो तो ये कैसा है? ये अंदर की ओर कैसा है? धंसा हुआ है। और ये कैसा है? ये बाहर की ओर निकला हुआ है। और ये उस साइड को आगे की ओर निकला हुआ है। ठीक है, तो अगर हम सर्वाइकल, हमारे बॉडी में कितने कर्व है? 4 कर्व है। कौन कौन से कर्व है? ठीक है, कौन कौन से कर्व है? सर्वाइकल कर्व, थोरेसिक कर्व, लंबर कर्व और सेक्रल कर्व। ठीक है, तो अगर हम किसकी बात करें? सर्वाइकल कर्व की, तो ये कहाँ पाया जाता है? नेक में पाया जाता है। और यह कुछ आगे की ओर निकला हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? थोरेसिक कर्व की। तो थोरेसिक कर्व कहाँ पाया जाता है? हमारे चेस्ट में पाया जाता है, जो पीछे की ओर थोड़ा क्या होता है? धंसा हुआ होता है। मतलब अगर हम पीछे से बैक से देख रहे हैं तो ये अंदर साइड को क्या है? धंसा हुआ है। उसके बाद हम आते हैं कौन से वर्टिब्रा में? लंबर वर्टिब्रा में। तो अगर हम लंबर वर्टिब्रा की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? लंबर सेक्शन में या स्पाइन पार्ट में पाया जाता है। ये कैसा होता है? आगे की ओर निकला होता है। कैसा? ये आगे की ओर निकला होता है। फिर दूसरा कर्व कौन सा था? सैक्रम और सैक्रम
कर्व, ठीक है। तो ये सैक्रल कर्व कहाँ से होता है? ये सैक्रम तथा कॉक्सेक्स तक होता है, ठीक है। कहाँ तक होता है? सैक्रम सैक्रम तथा कॉक्सेक्स तक होता है। कौन सा कर्व? सैक्रल कर्व। तो टोटल कितने कर्व हो गए? चार कर्व, ठीक है। चारों कर्व के हमको नाम याद रखने हैं, ये लिखे हैं चारों कर्व, ठीक है। इसके बाद हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं कि हमारे बॉडी में कुछ क्या होते हैं, वक्र होते हैं या कर्व होते हैं, जो कब से स्टार्ट होते हैं बनना? हमारे जन्म, जब हम कहाँ होते हैं? भ्रूण में, है ना। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तब से कुछ कर्व बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो कर्व बनता है, जिसे बोला जाता है प्राइमरी कर्व, तो वो प्राइमरी कर्व कब बनता है? जब कब होते हैं? हम फीटस में होते हैं। फीटस में मतलब माँ के 8 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, 8 वीक की जो प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, 8 वीक की प्रेगनेंसी को क्या कहा जाता है? फीटस कहा जाता है। 8 वीक के पहले की प्रेगनेंसी को क्या कहा जाता है? एम्ब्रायोलॉजी। पढ़ा था ना आपने कि 8 वीक से पहले की प्रेगनेंसी को क्या कहा जाता है? एम्ब्रायोलॉजी। और उसके बाद 8 वीक के बाद की जो प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? फीटस, ठीक है। क्या कहा जाता है? फीटस। तो जब हम माँ के, जब बच्चा या शिशु माँ के गर्भ में होता है, भ्रूण, है ना, तो वो जब 8 हफ्तों के बाद, 8 वीक के बाद जब वो फीटस में आ जाता है, जिसे हम फीटस बोलते हैं, तब उसमें क्या बनता है? थोरेसिक और सैक्रल कर्व। कौन सा? थोरेसिक और सैक्रल कर्व। तो जब बच्चा, जिसे थोरेसिक कर्व और सैक्रल कर्व कब बनता है? जब बच्चा फीटस में होता है। फीटस का मतलब 8 वीक की जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद, ठीक है। कौन सा कर्व बनना स्टार्ट होता है? सैक्रल और थोरेसिक कर्व, जिसे क्या बोला जाता है? प्राइमरी कर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राइमरी कर्व कहा जाता है। उसके बाद आता है कौन सा कर्व? सेकेंडरी कर्व। कौन सा कर्व? सेकेंडरी कर्व। सेकेंडरी कर्व में कौन सा कर्व बनता है? सर्वाइकल और लंबा कर्व। तो देखो, जब शिशु माँ के गर्भ में था, ठीक है, फीटस में था, ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी के 1 वीक के बाद क्या बनना स्टार्ट हुआ? सेक्सुअल बनना स्टार्ट हुआ। और क्या बनना स्टार्ट हुआ? थोरेसिक, ये वाला पार्ट बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको क्या कह दिया? प्राइमरी कर्व। उसके बाद स्टार्ट होता है कौन सा कर्व? सेकेंडरी कर्व। तो सेकेंडरी कर्व में कौन सा कर्व बनता है, मतलब कौन से वर्टिब्रा बनते हैं? सर्वाइकल एवं लंबर वर्टिब्रा, मतलब ये वाला वर्टिब्रा और ये वाला वर्टिब्रा कब बनता है? सेकेंडरी कर्व होता है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी कर्व आखिर बनता कब है? यह जन्म के बाद कब दिखाई देता है? लगभग 3 महीने की आयु में, ना, जब शिशु 3 महीने का हो जाता है। और वह क्या करने लगता है? जब शिशु अपना सिर उठाने लगता है, तो जब शिशु अपना सिर उठाने लगता है तब उसका कौन सा वर्टिब्रा तैयार हो जाता है? सर्वाइकल और लंबर वर्टिब्रा। समझ में आया? तो जब शिशु भ्रूण में था, माँ के बाद शिशु भ्रूण में था, गर्भ में था, फीटस अवस्था में था, तब क्या बना? प्राइमरी कर्व बना। तो प्राइमरी कर्व के अंदर क्या बना? थोरेसिक और सैक्रल। उसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी कर्व। तो जब बच्चे का जन्म हो गया, बच्चे के जन्म के बाद जब वो बच्चा 3 महीने का था और 3 महीने में जब वह सर उठाने लगा, है ना, जब वह सर उठाने लगा, तो हमको क्या मालूम चला कि इसका कौन सा वर्टिब्रा बन गया? सर्वाइकल और लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा वर्टिब्रा? इसके बाद एक और कर्व बनता है, जो कब बनता है? जब बच्चा 12 से 18 माह का हो जाता है, मतलब 1 साल से जब बच्चा 1.5 साल तक का हो जाता है, और जब बच्चा चलना स्टार्ट करता है ना, 1 से 1.5 साल के बीच में जब वह चलना स्टार्ट करता है, तो वर्टिब्रल कॉलम के ये जो वक्र है, मतलब ये जो कर्व है, ये सामान्य क्रियाओं, मतलब चलने फिरने के समय ये क्या जा हो जाते हैं? स्प्रिक एवं गतियां, मतलब क्या हो जाता है? जब बच्चा चलने लगता है तो उनके बीच में जो वर्टिब्रल कॉलम है, उनके बीच में क्या वर्टिब्रल डिस्क तैयार हो जाती है, और उसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण बच्चा क्या करने लगता है? चलने फिरने लगता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा? प्राइमरी प्राइमरी कर्व, सेकेंडरी कर्व। तो प्राइमरी कर्व में कौन से वर्टिब्रा तैयार हुए? थोरेसिक और सैक्रल। सेकेंडरी में क्या बना? लंबर। तब 3 मंथ में जब बच्चा अपना सर उठाने लगा, उसके बाद इंटरवल क्या बना? डिस्क बनी, ठीक है। वो डिस्क कब बनी? 12 से 18 महीने में, मतलब 1 से 1.5 साल में। तो क्यों बनी? क्योंकि तब बच्चे के
बच्चे की जो है। स्पाइन है या वर्टिब्रल कॉलम है उसमें क्या आ गई, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, उसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण वह चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या